साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती गणपति वंदन गणनायक जय गणपति वंदन गणनायक जय गणपति वंदन गणनायक तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक जय गणपति वंदन जय गणपति वंदन मस्तक सिंदूरी रूप निराला तू चार भुजाधारी मस्तक सिंदूरी रूप निराला है मूषक वाहन तेरो तू ही जग का रखवाला
सिद्धि विनायक, तू पालक सिद्धि विनायक। जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन बहती सुख धारा। तेरे नाम की ज्योत जगी तो मन में बहती सुख धारा। तेरा सुमिरन हर पूजन में, तेरा सुमिरन हर पूजन में, सबसे पहले फलदायक, सब से पहले फलदायक। जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन पर रहती सुख छाया। तेरे नाम को जिसने ध्याया उस पर रहती सुख छाया। मेरे रोम रोम अंतर में एक तेरा रूप समाया। मेरे रोम रोम अंतर में तेरा रूप समाया। तेरी महिमा तू ही जाने, तेरी महिमा तू ही जाने। शिव पार्वती के पालक, शिव पार्वती के पालक। जय गणपति वंदन गणनायक, जय छवि अति सुंदर सुखदायक, तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक। जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक, जय साक्षात श्री आदिशक्ति माता।
वरा भयकरे सौंदर्य रत्नाकरे
निर्दोता किल गोर पावन करे प्रत्यक्ष माहेश्वरे चाले या चल वंश पावन करे काशी पुराधीश्वरे दीक्षां देहि कृपावलंबन करे मातान्न पूर्णेश्वरे नानारत्न विचित्र भूषण करे हेमांबराडंबरे मुक्ताहार विलंब मान विलस कक्षोज कुंभांतरे काश्मीरा गरुवासिता रुचि करे काशीपुराधीश्वरे दीक्षां देहि कृपावलंबन करे मातान्न पूर्णेश्वरे योगानंद करी रिपुक्षय करी धर्मार्थ निष्ठा करी चंद्राकानन भासमान लहरी त्रैलोक्य रक्षा करी सर्वैश्वर्य समस्त वांछित करी काशी पुराधीश्वरी दीक्षां देहि कृपावलंबन करी मातान्न पूर्णेश्वरी कंदरालय करे गौरी उमा शंकरी कौमारी निगमार्थ गोचर करे ओंकार बीजाक्षरे मोक्षद्वार कवाट पाटन करे काशी पुराधीश्वरी दीक्षां देहि कृपावलंबन करे मातान्न पूर्णेश्वरे दृश्य विभूति वाहन करे ब्रह्मांड भांडोदरी लीला नाटक सूत्र केलन करे विज्ञान दीपांकुरे श्री विश्वेश मन प्रसादन करे काशी पुराधीश्वरी दीक्षां देहि कृपावलंबन करे मातान्न पूर्णेश्वरे पूर्वी सर्वजनेश्वरी भगवती मातान्न पूर्णेश्वरी वेणी नील समान कुंतल धरि नित्यान दानेश्वरी साक्षान मोक्ष करी सदा शुभ करी काशी पुराधीश्वरी दीक्षां देहि कृपावलंबन करे मातान्न पूर्णेश्वरे शांत समस्त वर्णन करे शंभो स्त्रिवावा करे काश्मीरा त्रिजलेश्वरी त्रिलहरी नित्यांकुरा शर्वरे स्वर्गद्वार कवाट पाटन करे काशी पुराधीश्वरी दीक्षां देहि कृपावलंबन करे मातान्न पूर्णेश्वरे देवी सर्व विचित्र रत्न रचिता दाक्षायणी सुंदरी वामे स्वादुपयोदरा प्रियकरे सौभाग्य माहेश्वरे भक्ताभीष्ट करी सदा शुभ करे काशी पुराधीश्वरी दीक्षां देहि कृपावलंबन करे मातान्न पूर्णेश्वरे चंद्रार्कानल
कोटि कोटि सदृशी चंद्रांशु बिंबाधरी चंद्रार्काग्नि समान कुंडल धरी चंद्रार्क वर्णेश्वरी माला पुस्तक पाश सांकुश धरी काशी पुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलंबन करी माता त्राण करी महाभयहरी माता कृपा सागरी सर्वानंद करी सदा शिव करी विश्वेश्वरी श्रीधरी रक्षा कंद करी निरामय करी काशी पुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलंबन करी माता पूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थं भिक्षां देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता आज हम लोग शक्ति की पूजा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। शक्ति का मतलब पूरी ही शक्तियाँ और किसी एक विशेष शक्ति की बात नहीं। ये पूरी शक्तियाँ हमारे हरेक चक्र पे अलग अलग स्थान पर विराजित और इस शक्ति के बगैर किसी भी देवता का कार्य नहीं हो सकता। जैसे आप जानते हैं कि कृष्ण की शक्ति राधा और राम की शक्ति सीता और विष्णु की लक्ष्मी, इसी प्रकार हर जगह शक्ति का सहवास देवताओं के साथ, पर देवता लोग शक्ति के बगैर कार्य नहीं कर सकते। वो शक्ति एकमात्र आपके हृदय चक्र में बीचों बीच जगदम्बा स्वरूपी विराजमान। ये जगदम्बा शक्ति बहुत शक्तिमान है। उससे आगे गुजरने के बाद आप जानते हैं कि कहीं वो माता स्वरूप और कहीं वो पत्नी स्वरूप देवताओं के साथ रहती है। तो शक्ति का पूजन माने सारे ही देवताओं के शक्ति का आज पूजन होने वाला है। इस शक्तियों के बिगड़ जाने से ही हमारे चक्र खराब जाते हैं और उसी कारण शारीरिक मानसिक बौद्धिक आदि जो भी हमारी समस्याएं हैं खड़ी हो जाती। इसलिए इन शक्तियों को हमेशा प्रसन्न रख। कहा जाता है कि देवी प्रसन्नो भवे, ये प्रसन्न रहना चाहिए। देवी को अप्रसन्न करने से न जाने क्या हो जाए।
अब कुंडलिनी के जागरण से इस शक्ति को एक विशेष और एक शक्ति मिली। इन शक्तियों में एक विशेषता और होती है, वो ये है कि सारे दूर सर्वव्यापी शक्ति जो परम चैतन्य जो आदिशक्ति की शक्ति है उससे इसकी एकाकारिता एकदम हो जाती। उस एकाकारिता के कारण इसके अंदर वो शक्ति आ जाती। इन छोटी छोटी जिनको कहना चाहिए विभक्त शक्तियाँ हैं उसमें पूरी तरह से एकत्र एकाकारिता शक्ति का संचार हो जाता। माने ये कि अगर समझ लीजिए आपकी हृदय की शक्ति कमजोर तो उसका संबंध जब इस परम चैतन्य से हो जाता है तो वो निर्बल शक्ति शक्तिशाली नहीं हो जाती है और उसका संदेश सारे शक्तियों के पास पहुंच जाता है कि अब कोई फिक्र करने की बात नहीं, अब ये शक्ति जो है प्रबल हो। पर शक्ति जो है वो स्त्री स्वरूप है और देवता जो है वो पुरुष स्वरूप है। सो स्त्री का मान रखना, स्त्री का आदर रखना, गृहलक्ष्मी को गृहलक्ष्मी जैसे रखना आदि बहुत जरूरी बातें हैं जो हमारे यहाँ जो पुरुष हैं उनको सीखना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि औरतें उनको हमेशा लेक्चर झाड़ते रहे या उनसे बिगड़ते रहे। औरतों को तो गृहलक्ष्मी के स्वरूप होकर के अपने पति और अपने बच्चे घर द्वार सबकी सेवा तो करनी होती है। उसको तो एक ही काम होता है, पति को हजारों काम होते हैं और वो ठीक से निभा करें, उसको ठीक से संभालें, ये बहुत जरूरी है। लेकिन पति का कार्य होता है कि अपनी पत्नी को देवी स्वरूप माने, अपने पत्नी को घर की शक्ति माने और उसका उसके साथ जो संबंध हो वो निश्चल और शुद्ध हो। मनुष्य कभी कभी ये सोचने लग जाता है कि वो जैसे भी चाहे चले और ठीक है क्योंकि पुरुष है, ये उसको बड़ी गलतफहमी है। इस तरह से करने से उस पे जो संकट आने हैं वो आते, और पत्नी कितने भी वो संकट झेल रहे तो भी उसका कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अगर आप स्त्री को सताएंगे तो वहां पर देवताओं का रमण नहीं हो सकता। घर की औरत को जिद नहीं करनी चाहिए, पति को खुश रखना चाहिए, घर द्वार को ठीक रखना चाहिए, यह तो बात सही है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि घर की गृहलक्ष्मी जो है वो घर की शक्ति है, इसलिए उससे एक तरह की बड़ी गहरी एकाकारिता साध्य करनी चाहिए। जब ये बेबनाव हो जाता तो औरत भी एक तरह से समझदारी छोड़ के और नाराज हो जाती है, कभी कभी बहुत ज़्यादा स्फोटक होती है, कभी झगड़ा करती है, उससे बच्चों पे बुरा असर आता है और फिर समाज टूटने लग जाता है। समाज जब टूटता जाएगा तो बच्चे भी टूटते जाएंगे, उनके अंदर भी गलत गलत चीज़ें आ जाएंगी और वो भी रास्ते पर नहीं आएंगे। मधेस उठून जाऊ नका। और जो घर की डिसिप्लिन है वो खराब हो जाती, जिस घर में डिसिप्लिन नहीं होगी उसके बच्चे खराब हो जाए, उसका समाज खराब हो जाएगा। आज विलायत में क्या होगा,
वहां की स्त्री इसकी जिम्मेदार नहीं समझती कि उसको समाज को बनाकर रखना है, समझदारी से रहना है, और पूरे समय लड़ती रहती है। लड़ने झगड़ने से कभी भी घर में शांति नहीं आ सकती। शांति लाने के लिए क्या करना है? पति से सुझाव करना है, उसे बात करनी है कि आखिर क्या बात है, क्यों ना हम दोनों प्रेम के साथ रहें जिससे हमारे बच्चे ठीक रहें। परदेश में कुछ भी सीखने का नहीं है, क्योंकि उनका समाज बिल्कुल विचलित हो गया है। एक एक औरत है वहाँ आठ आठ शादियाँ करती है और रईस हो जाती है, उसको बस पैसे की लालच है। वो अपनी सामाजिक स्थिति के लिए जिम्मेदार नहीं, वो ये नहीं सोचती कि हमारा समाज मेरे सर पे बैठा हुआ। आज भी हिंदुस्तान का समाज जितना बिगड़ा नहीं, उसका कारण माताएं अच्छी, पर माताओं को भी जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, समझाना चाहिए, उनसे दोस्ती करनी चाहिए और उनको अपने बराबर समझ करके और ठीक रास्ते पर रखना चाहिए। अगर हमारा समाज ठीक हो जाए तो जो दुविधाओं में हम पड़ा हुआ है, जो हमारे हम सुनते हैं कि खूनी खराबी हो रही है, बॉम्ब फूट रहे हैं, फलाना हो रहा है, इस तरह का आशंकित जीवन जो हमारे ऊपर लद गया है, उसका कारण है इन लोगों की माएं। उन माओं ने अगर इन बच्चों को ठीक से रखता होता तो आज वो इस तरह से बेकाबू नहीं, इस तरह से गंदे काम नहीं करते। उनको एक तरह से ऐसा जीवन मिल जाना चाहिए कि जो अत्यंत पवित्र हो और अपनी पवित्रता को वो हमेशा माने और उसकी स्वच्छता रखे, क्योंकि जब पवित्र जीवन होगा तभी आपकी शक्ति जो है वो चलेगी, नहीं तो शक्ति खत्म हो जाए। तो यही सोचना चाहिए कि शक्ति का आधार पवित्रता, और जब उसमें पवित्रता नहीं रह जाएगी तो शक्ति जहां के तहां बैठ जाएगी और आप निशक्त हो जाएंगे। अमेरिका जैसे देश में मैं देखती हूं कि बच्चे एकदम निशक्त, कहते हैं कि 65% लोग अमेरिका में अब या तो बीमार पड़ जाएंगे या पागल हो जाएंगे। उसका कारण है घर में जो माँ का प्यार, माँ का दुलार मिलना था वो ठीक से नहीं, और माँ का प्यार और दुलार भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिससे बच्चे खराब हो जाए। उस प्यार दुलार में एक ही विचार रहना चाहिए कि हमारा बच्चा जो है वो इस तरह का बने कि एक श्रेष्ठ नागरिक हो जाए, एक श्रेष्ठ मानव हो जाए और एक श्रेष्ठ सहयोगी हो जाए। इस दृष्टि से आप अपने बच्चों को अगर ट्रेनिंग देंगे तो अपना समाज एकदम ठीक हो सकता है, और उसके लिए ज्यादा करने की जरूरत नहीं, थोड़ी देर बच्चे अगर मेडिटेशन कर लें काम खत्म। पर अगर बच्चों को आपने छूट दे दी तो न जाने, आजकल का जमाना इतना खराब है कि बच्चे कहीं से कहीं बहक सकते। इसलिए आवश्यक है कि आप जो औरतें अपने को सोचती हैं कि हम लक्ष्मी हैं, फलाना है, ठिकाना है, सबसे पहले आप समाज का आधार हैं। समाज की ओर पुरुष की दृष्टि नहीं होनी थी और होती भी नहीं, उधर औरतों की होनी चाहिए। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि सहयोग में औरतें कमजोर हैं, आदमी नहीं। इसका कारण मैं नहीं समझ पाती क्योंकि मैं एक औरत हूँ। औरतों को ध्यान धारणा और सर्च के बारे में सब मालूमात होनी बहुत जरूरी, क्योंकि औरतों के ही कारण हम आज समाज को ठीक कर सकते। आदमियों का तो चल ही रहा है मामला, कहीं उनका राजकारण है तो कहीं अर्थव्यवस्था है, यह उससे आपको कोई मतलब नहीं। आप अपने बच्चों को ठीक करिए और उसके लिए आप भी रोज ध्यान करें, आप भी आदर करें, आप भी गहरे उतरे, गहराई लिए हुए कितनी औरतें हैं, और जब कभी मिलती भी हो तो अपना ही रोना लिए बैठे रहते हैं। इसलिए मैं आज कह रही हूं कि अगर आप शक्ति हैं तो आप शक्ति स्वरूपा होइए, और उसे जो
समाज का भला करना हो करिए, उससे आपके देश का, अनेक देशों का कल्याण हो सकता है। और देशों के सामने एक बड़ा भारी उज्जवल उदाहरण हो जाए, लोग देखकर सोचेंगे वाह क्या चे। इस तरह का अपना देश अभी हुआ नहीं। अपने देश में अब भी इतनी खराबियां औरतों में आ गई हैं। एक तो फौरन विदेशी चीजों से बहुत जल्दी प्रभावित होना, सिनेमा उनमा से बहुत ज्यादा प्रभावित होना और अपने को कच्चा दिखाना, जैसे कि सिनेमा की नटियां हैं वैसे बनने की कोशिश करना। मैंने अभी सोचा था एक लड़की के बारे में कि उसकी शादी करा दें, तो खबर हुई कि वो शीशे के सामने 3-3 घंटे बैठी रहती, तो वो फिर अपने बच्चों को कब देखेगी, अपने घर वालों को कब देखेगी, इतने शीशे के सामने बैठने लायक है क्या, उसकी क्या इतनी जरूरत है, और इतना भी करके क्या शक्ल निकल रही है वो भी देख लीजिए। हम तो 5 मिनट से ज्यादा शीशे के सामने नहीं बैठते, 5 मिनट वो भी काफी हो गया। और इसी प्रकार फिर बढ़ते बढ़ते लड़कियां जो है गलत रास्ते पे जाती। दूसरी वो लड़कियां जो बिगड़ गई हैं, जो कॉन्वेंट की पढ़ी हुई हैं, जिनको अंग्रेजी तबीयत जिन्होंने सीखी हुई है, वो इनको नीचा दिखाती हैं। उनके नीचे दिखाने से ये लोग भी उसी तरह से चलने लगते हैं। आपको चाहिए कि ऐसे लड़कियों को खुद आप सोचें कि ये कहाँ है, ये तो बिल्कुल गुलामी में फंसी हुई है। आज ये कपड़ा आया तो वो पहन लिया, कल दूसरा कपड़ा आया तो वो पहन लिया, घर में ढेर की ढेर लगा के रख देंगे। इससे मनुष्य की शोभा नहीं बढ़ती, और विशेषकर स्त्री की शोभा इस रोज के कपड़े बदलने से और फैशन करने से नहीं बढ़ती। अपनी शक्ति की जो भक्ति है वो करना चाहिए, उसको समझना चाहिए, उससे जो आपके अंदर एक अप्रतिम विशेष आशीर्वाद मिलेगा, उससे आप सारे ही प्रश्न किसी भी तकलीफ के बगैर ठीक कर सकते हैं। क्योंकि अब आपकी एकाकारिता इस सर्वव्यापी शक्ति से हो गई, तो लड़ने झगड़ने से कुछ नहीं होता। शांति से ध्यान करके, समझदारी रख के अपने बच्चों को सीधे रास्ते पे लाना चाहिए। अब पति जो है वो बहुत ज्यादा समझ लीजिए राइट साइडेड है, बहुत सोच रहा है ये करूंगा वो करूंगा वो करूंगा, लेकिन औरत को उस तरह नहीं होना चाहिए। उसको ये किस तरह से मैं समाऊं, समा जाना अपने घर खानदान में, उसको समा जाना चाहिए। समुंदर है, उसको एक तरफ से दबाओ तो दूसरी जगह समा जाता। इसी प्रकार स्त्री का हृदय होना चाहिए कि उसको एक तरफ से तकलीफ हुई दूसरी जगह समा जाए। समाना माने क्या? समाना माने एकाकारिता। एकाकारिता लानी चाहिए। जब वो ये नहीं ला सकती तो वो शक्ति नहीं है। अगर वो झगड़ा करती है और सबसे वाद विवाद ही करती है तो वो शक्ति नहीं है। शक्ति का मतलब ही यह है कि आप सब चीज में समा सकते, सबसे ऊंचे कुछ भी हो उससे आप ऊपर उठ जाए, तभी आप शक्ति हैं। और अगर आप उससे दब गए तो आप शक्ति नहीं, अपनी शक्ति। स्त्री के बारे में हमारे देश में अनेक बातें कही गई हैं, और हम अपने भारत माता को भी, उसको भी हम एक माँ के रूप में देखते। हमारे यहाँ माँ बहुत बड़ी चीज मानी जाती है, क्योंकि वो लड़के को गलत रास्ते से बचाती है, उसको सही तरीके से बड़ा करती है, उसको वो ऐसे बहुमूल्य गुण देती है जो उसको जिंदगी भर के लिए पूरे पड़े। ऐसी हालत में आप लोगों को ये सोचना चाहिए, क्या हम अपने घर में शांति सुख और आनंद देते हैं? घर पे पति आया और आप लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते, या नहीं तो बस रहने दो रहने दो रहने दो, इस तरह से एक अछूतापन,
कर आप घर में आनंद और प्रेम की सृष्टि करें तो आपके बच्चे ठीक से पनप जाए। उसी प्रकार पुरुषों के लिए बहुत जरूरी कि हर समय अपनी बीवी से मजाक करना कोई बड़ी अच्छी बात नहीं। नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा है बीवी का बड़ा मजाक करते रहे सुबह शाम का, उसमें कोई बड़ी भारी बुद्धि चातुर्य नहीं है, बेकार की बात है। अपने बीवी के गुण देखिए, जरूर नहीं उसको बखानी है पर उसको समझिए और उन गुणों से परिचित हो करके और उसका मान पान सब रखना चाहिए। आज मैं इसलिए बात कह रही हूँ कि बहुत सी औरतें सहयोग में आई हैं लेकिन अब भी उनमें कर्मकांड बहुत फलाना है शुक्रवार, खासकर महाराष्ट्र में तो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। आप स्वयं गुरु हो गए, आपको क्या कर्मकांड करने की ज़रूरत है। सो जो औरतें इस तरह कर्मकांड में फंसी हैं उनको इसमें से बचाना है, उनको समझाना और उनको समझा के ये बताना है कि आप ही के अंदर शक्ति है और आप अपनी शक्ति से ही कार्यान्वित हो सकते। आज बम्बई शहर को देखते हुए मुझे लगता है कि इसमें परदेशी संस्कृति बहुत आ गई, बहुत ज़्यादा। हालांकि अपने सहयोगी बाहर से जो आए, देखिए किस तरह से कपड़े साड़ी वाड़ी पहन के कायदे से बैठी हैं, सब पढ़ी लिखी बड़े घर की लड़कियां पर कायदे से बैठे। और हमारे यहाँ मैंने जो देखा ये कि रात दिन लड़कियों के शौक ही नहीं पूरे हो रहे, होटलों में जाना, होटलों में खाना बनाना, खाना आता जाता तो कुछ नहीं, और घूमने का शौक, दुनिया भर के शौक, एक शौक अगर आ जाए कि सबको मैं आनंद देने वाली एक शक्ति हूँ, उस शौक को आप पूरा करें तो देखिए समाज बदलेगा। और आदमियों को भी इस चीज़ का वर्णन करना चाहिए, इस चीज़ को मानना चाहिए और इसी तरह से स्त्री का मान रखने से ही हमारा समाज ठीक हो, क्योंकि समाज स्त्री पर निर्भर है, पुरुषों पर है। अब दूसरी बात जो हमें सोचनी है वो ये कि पुरुषों के मामले में हम लोगों ने जो देखा है वो यही है कि उनके हाथ में राजकारण और देश की अर्थव्यवस्थाएं, उस और भी उनको ध्यान देना चाहिए। अर्थव्यवस्था है जैसी भी है, बुरी हो अच्छी हो, देश के लिए त्याग करना चाहिए। हमें तो आश्चर्य लगता है कि हम दो दुनिया में रहे, जहाँ हम छोटे थे हमारे पिताजी जेल में, माताजी जेल में, सब घर में कोई नहीं और हम लोग अच्छे बड़े घरों से निकल के झोपड़ियों में रहते थे और बहुत खुश थे। सारा पैसा हमारी माँ के सब जेवर गांधी जी को उन्होंने दे डाला, इतनी त्यागमयी प्रवृत्ति थी, हमारे पिताजी इतने त्यागमय थे, उनके पास इतने महंगे महंगे सूट थे, जब वो कांग्रेस में आए तो उन्होंने चौराहे पे जाके सब जला दिए। वो लोग कुछ और ही थे, जो हमने लोग देखे वो कुछ और थे। ऐसे तो आजकल कोई देखा ही नहीं जाता कि जो त्याग की बात करता होगा। ज़्यादातर लोग पैसा कैसे कमाना चाहिए, किसका जेब कैसे काटना चाहिए, इसी सोचते। वो लोग भी राजकारण में रहे, वो लोग भी मेंबर पार्लियामेंट थे और वो लोग भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स थे, लेकिन उनमें सिर्फ त्याग की बुद्धि थी। मैंने तो देखा कि अच्छा चलो ये कारपेट रखा ना, दे दो, बेच डालेंगे, उससे ही कुछ पैसा मिल जाए, जो घर में रखा है दे दो, क्या करने का है। इतने त्याग वाले ऐसे लोग हमने देखे और उसके बाद आजकल ये जो भिखारी सबके पैसे मार रहे हैं वो भी देख रहे हैं। सो बड़ा दुख लगता है कि इतना अंतर कैसे आ गया, 50 साल में ये क्या हो गया, कहाँ से कहाँ अपना देश ऐसा क्यों चला गया। इतनी लालसा, इतना पैसा, करोड़ों रुपए होंगे तो भी उनको समाधान नहीं, तो भी वो किसी तरह से और जुड़ो और जुड़ो और जुड़ो और सत्ता के पीछे में दौड़ेगा। ये पुरुषों को समझना चाहिए कि हमने क्या त्याग किया, हमारे फैमिली के हमने क्या त्याग किया, हमने अपने देश के लिए क्या त्याग किया, हमने
इस विश्व के लिए क्या त्याग किया? कुछ तो हमने दिया कि ऐसे ही हम आए और सब दुनिया को लूट खसोट के चले गए। अपने राजकारणी लोग ऐसा करते हैं, उनको मालूम नहीं कितना महान पाप है। ये तो जीवन इतना सा है और इसके बाद का जो जीवन काटना होगा तो पता चल जाएगा सबको, जिन जिन्होंने अपने देश के सारे पैसे लूट लाट करके और अपनी जेबें भरी है। और फिर हमारा देश गरीब है, ऐसे चोर लोग अगर आपके राजकारणी नेता होंगे तो और क्या होगा। और अब फिर इलेक्शन आ रहा है, इसमें किसी भी चोर को वोट नहीं देना। सहयोगियों को इंश्योर कर लेना है कि चोर को वोट मत दो, और जहां भी इश्तहारात लगाने हैं कि चोर को वोट मत दो। इन्होंने हमारी सारी संपत्ति, सारा खजाना खाली कर दिया, रिक्त हो गया है, नहीं पैसा, सब खा के करोड़ों रुपए और चले गए। उधर ध्यान ही नहीं है लोगों का। तो जिन्होंने आज तक चोरी किए और चोरी कर करके अपने देश को इस तरह से जलील कर दिया है, ऐसे लोगों को आप लोग वोट मत दीजिए। मैं कोई किसी एक पार्टी की तरफ से नहीं बोले, पर मैं हृदय से कहती हूँ कि अब आप लोगों को उन्हीं लोगों को मदद करनी चाहिए जो ईमानदार है, क्योंकि आपकी माँ बहुत ईमानदार। आप अगर बेईमान होते तो आपको सहयोग नहीं मिल सकता था। इसलिए बहुत आवश्यक है कि आप अपनी कीमत आंकें कि आप क्या है। चलो दो चार कमी कपड़े ले लिए, चलो दो चार जेवर कम ले लिए, क्या होगा। किंतु त्याग की बुद्धि बहुत जबरदस्त है, वो बड़ी मदद करती है और उसी से अपना देश बदले। वो त्याग करने वाले लोग कहाँ गए पता नहीं, सब जेल में गए और अब यहाँ है नहीं, दुनिया में दिखाई नहीं, मेरे बहुत कम। इसलिए एक चीज़ है कि हम सत्य पे चले और हम किसी को भी लालच रुचपत कुछ नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे। ऐसे आप लोग तय कर लें तो बम्बई से सब बांध अपना बिस्तर भाग जाएं, आप लोग काफ़ी। और मैं आपको आज आज्ञा करती हूँ कि वोट में आप लोग जा करके ऐसे नारे लगाएं कि चोरों को वोट मत दो, और उसके बड़े बड़े बैनर्स बना है उसमें लिखें चोरों ने देश खा लिया, चोरों को वोट मत दो, हर एक जगह, हर एक गांव में। Thank you.
एव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका नमो नमः।